परीक्षा से पहले पेपर आउट। परीक्षा के बाद पेपर रद्द। सनसनी का सबसे बड़ा खुलासा। दसवीं बारहवीं के पेपर लीक का पर्दाफाश। ये 18वां नंबर क्वेश्चन है, अब इसमें चेक करते हैं। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, हूबहू यही है। लाखों बच्चों का विलन कौन। पेपर लीक पर सनसनी की बड़ी पड़ताल। एग्जाम में सीबीएसई फेल। कुछ ही रोज पहले सनसनी के हेल्पलाइन पर फोन आया कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के पेपर्स बाजार में बिक रहे हैं, परीक्षा से पहले ही पेपर्स आउट हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर व्हाट्सएप पर पेपर भेजे जा रहे हैं। यह खबर बेहद चौंकाने वाली थी और इस खबर को एबीपी न्यूज ने खुद सीबीएसई तक पहुंचाया, जिस पर परीक्षा लेने की जिम्मेदारी है। हमने सीबीएसई से जवाब मांगा लेकिन सीबीएसई सोई रही। और अब दसवीं और बारहवीं के दो पेपर्स रद्द होने के बाद सीबीएसई खुद सवालों से घिर गई है। सनसनी में आज देखिए कैसे सनसनी ने की पेपर लीक होने की सबसे बड़ी पड़ताल और कैसे हुआ पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा खुलासा। दसवीं का गणित का पेपर रद्द। बारहवीं का इकोनॉमिक्स का पेपर रद्द। बारहवीं के अकाउंट्स के पेपर पर सवाल। मेरे पास कॉल आया कि आपके पास अकाउंट्स का पेपर आपको चाहिए। मैंने उनको फिर मैं उनसे मिला पीरागढ़ी उनसे मैं मिला उनको मैंने 5000 डाउन पेमेंट किया, बट एक सेकंड के लिए लालच भी था, एक सेकंड के लिए लालच भी था कि कहीं कुछ पढ़ लूं। बारहवीं का बायोलॉजी का पेपर भी शक के घेरे में। पेपर ऑलरेडी ही लीक हो चुका था और इसके आंसर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग भी तो एक से डेढ़ घंटे पहले मिनिमम सर्कुलेट हो चुके थे। गिनते जाइए, देखते जाइए, ये है सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं की परीक्षा की वो हकीकत जिसने देश के लाखों बच्चों की नींद उड़ा दी है। मैं देख रहा था टीवी, मैं बहुत ज्यादा अपसेट सा हो गया, फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, गलती मेरी नहीं है, दूसरे बच्चों की गलती की सजा मुझे मिल रही है, क्यों। ये देखिए, ये है दसवीं क्लास का मैथ्स का पेपर। आज ही दसवीं के मैथ्स की परीक्षा हुई थी लेकिन इससे पहले ही मैथ्स के क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच गया। यही नहीं, दिल्ली में पेपर के साथ आंसर शीट भी हाथों हाथ बिक रही थी। और ये है बारहवीं के इकोनॉमिक्स का पेपर। इकोनॉमिक्स का ये पेपर बिहार के कटिहार जिले में मिला है। बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स का पेपर भी परीक्षा के पहले ही लीक हो गया था। व्हाट्सएप पे देखे कल आदमी मेरा क्वेश्चन आ गया था, 11:30 पे आ गया था, फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था क्वेश्चन, आज के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, मैंने जब उठा के मैच किया तो सेम क्वेश्चन था। सीबीएसई की दसवीं बारहवीं की परीक्षा में शामिल हुए देश के लाखों बच्चों की नींद उड़ी हुई है। वो हैरान परेशान हैं और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस बार सीबीएसई के कितने पेपर लीक हुए, कैसे लीक हुए, पर्चा आउट करने वाले लोग कौन हैं? ऐसे ही कुछ बच्चों ने पेपर लीक होने की खबर एबीपी न्यूज को दी थी। सनसनी की हेल्पलाइन पर बच्चों ने पेपर लीक होने की शिकायत की थी। यही नहीं, एबीपी न्यूज ने सीबीएसई से संपर्क किया था। सीबीएसई तक बच्चों की शिकायत पहुंचाई और सबूत भी दिए लेकिन सीबीएसई ने उसे भी अनदेखा कर दिया। और जब मैथ्स और इकोनॉमिक्स के पेपर लीक होने पर बवाल मचा तो सीबीएसई ने दोनों पेपर रद्द करके फिर से एग्जाम का ऐलान कर दिया। आखिर सीबीएसई अपनी नाकामी क्यों छुपा रही है? आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने सीबीएसई की परीक्षा में लगा दी है सेंध? सनसनी में आज हम करेंगे दसवीं बारहवीं की परीक्षा में फेल हो चुकी सीबीएसई की सबसे बड़ी पड़ताल।
सीबीएसई के 10वीं 12वीं के पेपर्स लीक होने की खबर से हड़कंप मचा है। दोनों परीक्षा में शामिल हुए देश भर के करीब 28 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हक्के बक्के हैं। परीक्षा दे रहे हर बच्चे के घर में यही चर्चा और चिंता है कि अब क्या होगा, क्या उनके बच्चे पिछड़ जाएंगे, कौन कौन सा पेपर रद्द होगा। यहां तक कि यह बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। लेकिन पेपर लीक पर मचे कोहराम के बीच सनसनी में आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आंखें खोल देने वाला है। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे बच्चों को नसीहत दी थी कि वो टेंशन फ्री रहें, तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी जिस सीबीएसई बोर्ड पर है, उसी सीबीएसई ने देश के लाखों बच्चों को सबसे बड़ी टेंशन दे दी है। पेपर लीक करने वाले लोग कौन हैं? पेपर लीक कैसे होता है, इसकी पड़ताल तो हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं सीबीएसई की लापरवाही का वो सच जिसने देश के लाखों बच्चों की नींद उड़ा दी है। सीबीएसई ने आज 10वीं की गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर को रद्द करके फिर से इम्तिहान का ऐलान किया है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि पेपर लीक होने की खबर को सीबीएसई ने कैसे नजरअंदाज कर दिया था, कैसे एबीपी न्यूज के खुलासे को अनसुना कर दिया था। सबसे पहले देखिए दिल्ली के इन दो छात्रों की आप बीती जो इस बार 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे और फिर परीक्षा से पहले ही एक गुमनाम शख्स ने इन्हें फोन कर अकाउंट्स के पेपर का सौदा करने की कोशिश की थी। यही नहीं, परीक्षा से पहले ही इन छात्रों के व्हाट्सएप पर पेपर भी पहुंच गया। पेपर 15 को था तो मेरे पास 14 को एक का कॉल आया था, एक उत्तम नगर से लड़का था, उसने मेरे से बोला कि आपको अकाउंट से पेपर चाहिए। तो दो मिनट के लिए ऐसा लगा कि पेपर कहां से आएगा, क्योंकि सीबीएसई कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं और पूरी दिल्ली सीबीएसई बोर्ड सेम पेपर होता है। तो मैंने कहा चलो आप कर दो। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि रात को कॉल आया, उन्होंने मेरे से कहा कि आप व्हाट्सएप पे बातें कीजिए, कॉलिंग पे ट्रेस हो सकता है। तो मैंने फिर व्हाट्सएप पे उनको हाय भेजा, तो उन्होंने मेरे से बात की आपको रियल पेपर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। बट जब मेरे पास 9:50 मेरा पेपर आ गया और फिर मैंने सोचा कि मैं इनको मतलब और आगे इस बात को फैलाऊं, तो मैंने कहा पहले मैं एग्जाम देके आ जाता हूं, फिर देखता हूं कि पेपर सेम है कि नहीं। फिर आया और फिर देखा डिक्टो पेपर सेम है। जिस गुमनाम शख्स ने इन छात्रों के मोबाइल फोन पर अकाउंट्स का पेपर भेजा था, उस पेपर की हमारे संवाददाता ने जब पड़ताल की तो पेपर आउट होने की खबर पुख्ता हो गई, क्योंकि ओरिजिनल और व्हाट्सएप पर आया पेपर बिल्कुल एक जैसे थे। 9:50 का टाइम है व्हाट्सएप पर, ये देखिए 9:50 का टाइम है, 9:50 और ये पहला ही पेज है। अगर हम इसको ऐसे देखें, पार्ट बी है ये, पार्ट बी ओरिजिनल पेपर का, अगर हम पार्ट बी निकालते हैं यहाँ पर, ये देखिए ओरिजिनल पेपर का पार्ट बी, एक वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज तथा भुगतान किए गए ब्याज को रोकड़ प्रभाव विवरण बनाते समय कौन सी गतिविधि माना जाए, ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें चेक करते हैं हम, ये देखिए एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एक वित्तीय कंपनी द्वारा, बिल्कुल सेम हूबहू यही है। जरा गौर कीजिए, अभी हमने 12वीं के अकाउंट्स के पेपर लीक होने की जो खबर दिखाई वो चौंकाने वाली खबर एबीपी न्यूज ने सीबीएसई को भी दी थी। यही नहीं, इसके बाद सनसनी के हेल्पलाइन पर एक शख्स ने हमें यह बताया कि 12वीं की बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो चुका है। यह जानकर हम उन छात्रों और उनके अभिभावकों तक पहुंचे। ये हैं दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने वाले कोचिंग टीचर डॉक्टर विक्रांत। विक्रांत के मुताबिक जिस रोज 12वीं की बायोलॉजी का एग्जाम था, उस रोज सुबह एग्जाम से ठीक एक घंटा पहले व्हाट्सएप के जरिए बायोलॉजी का पेपर लीक हो चुका था। मुझे लगभग भी तो पेपर होने से एक घंटे या डेढ़ घंटे पहले ही मेरे पास में व्हाट्सएप में कुछ बायोलॉजी के पेपर के क्वेश्चंस के आंसर आए थे,
जब मैंने उन क्वेश्चन के आंसर्स को देखा तो मैंने इग्नोर कर दिया उस टाइम पे। लेकिन जब पेपर हुआ और पेपर होने के बाद में जब मैंने बच्चों से पेपर मंगाया तो उसमें जितने मेरे पास में वो क्वेश्चंस के आंसर आए थे हूबहू उनके जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए उनसे पूरी तरीके से मैच कर रहे थे। 100% पार्ट वाई पार्ट वे उनके साथ में एग्जैक्ट मैच दिखा रहे थे, जिससे ये पूरी तरीके से श्योर है कि पेपर ऑलरेडी ही लीक हो चुका था। और इसके आंसर जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग भी तो 1 से 1.5 घंटे पहले मिनिमम सर्कुलेट हो चुके थे। 12वीं के अकाउंट्स के पेपर के लीक होने की खबर CBSE तक पहले ही पहुंच चुकी थी। जिस रोज अकाउंट्स की परीक्षा हुई उसी रोज शाम को CBSE ने एक प्रेस रिलीज जारी करके पेपर लीक होने की खबर को खारिज कर दिया। पेपर लीक होने जैसी कोई बात सही नहीं है। सभी सील एग्जाम सेंटर तक लगे हुए थे। हालांकि परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान निचले स्तर पर कुछ लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को ठेस पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए कुछ गलत मैसेजेस फैलाए थे। CBSE ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। आज CBSE के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है। CBSE के खंडन के बाद भी पेपर लीक होने की खबर दिल्ली के कई इलाकों में फैली थी। कुछ लोगों ने सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन करके सबूत होने का दावा भी पेश किया था और हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से मिलकर आउट हो चुके पेपर भी देखे थे। इसके बाद ABP न्यूज ने एक बार फिर CBSE को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। हमने कई छात्रों से बात की है जिनकी शिकायत है कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उनमें से कुछ छात्रों ने हमें प्रूफ भी भेजा है जो कि व्हाट्सएप और मेल पर है। अगर संभव हो तो हम आपका पक्ष कैमरे पर जानना चाहते हैं। अगर संभव नहीं है तो कम से कम मेल पर ही अपना पक्ष भेज दें। ABP न्यूज की चिट्ठी पर कोई एक्शन लेना तो दूर, CBSE की तरफ से चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं आया। हमने 12वीं के अकाउंट्स के पेपर आउट होने की खबर CBSE तक पहुंचाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने CBSE को यह भी बताया कि छात्र पेपर होने के सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। और अब CBSE 10वीं के गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर को रद्द होने की बात कर रही है, यानी ये दोनों पेपर भी लीक हो चुके थे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने के दौरान गड़बड़ी की आ रही खबरों का संज्ञान लेते हुए CBSE ने ये तय किया है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए 12वीं के अर्थशास्त्र और कक्षा 10वीं के गणित विषय की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। अगले एक हफ्ते के भीतर परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। CBSE का ये ऐलान उसकी ही लापरवाही को बेनकाब कर रहा है। इस बयान में CBSE ने ये साफ नहीं कहा कि 10वीं की गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों से ये खबर आ रही है कि 10वीं के मैथ के पेपर 5,000 रुपए में बिक रहे थे, कहीं व्हाट्सएप के जरिए तो कहीं फोटो कॉपी मिल रही थी। 10वीं के गणित की परीक्षा आज हुई थी लेकिन ये पेपर मंगलवार रात से ही बिक रहे थे। पता ये भी चला है कि आउट हो चुके पेपर को कई जगह पेन से लिखकर भी बेचा जा रहा था। अभी अभी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस पेपर लीक करने वालों की तलाश में दिल्ली में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अगर आरोपी पकड़े भी जाते हैं तो ये उन बच्चों के साथ क्या इंसाफ होगा जिन बच्चों ने आज 10वीं के पेपर्स दिए हैं। ब्रेक के बाद भी सनसनी का यह खुलासा जारी रहेगा। पेपर लीक पर सनसनी की बड़ी पड़ताल, एग्जाम में CBSE फेल। सनसनी 10वीं के गणित का पेपर कैसे लीक हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं लीक हुए पेपर की कॉपी। ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये दो पेपर हैं, 10वीं के मैथ्स का पेपर। ये वो पेपर है जिसे CBSE ने बच्चों को परीक्षा में दिया था, और ये है वो दूसरा पेपर जो व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हमने असली और आउट हो चुके पेपर्स की जब पड़ताल की तो दोनों बिल्कुल एक जैसे मिले। असलियत आप भी देख लीजिए। ये देखिए 10वीं की गणित परीक्षा का पेपर,
असली पेपर में एक सवाल है, इन फिगर वन ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको यही सवाल उस पेपर में भी दिखाते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए पेपर शुरू होने से पहले बच्चों को मिला था। ये देखिए, यही सवाल इसमें भी हूबहू लिखा है। इन फिगर वन ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। साथ ही जो फिगर दोनों पेपर में बनी है वो भी बिल्कुल एक जैसी ही है। अब हम आपको ऐसा ही एक और सवाल दिखाते हैं जो दोनों में मौजूद है। ये है वो पेपर जो व्हाट्सएप पर लीक हुआ है और इसमें एक सवाल है, फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब अगर हम आज के उस पेपर को देखते हैं जिसे एग्जाम हॉल में बच्चों को दिया गया था, तो यही सवाल हमें इस पेपर में भी मिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ ये ही नहीं, सारे के सारे सवाल हूबहू वही हैं जो सीबीएसई के असली पेपर में मौजूद हैं। एक के बाद एक लीक हो रहे दसवीं और बारहवीं के पेपर से यह साफ हो चुका है कि सीबीएसई में सेंध लग चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि और भी कई पेपर्स हैं जो लीक हुए। सवाल है कि यह पेपर कौन लीक कर रहा है, वो पेपर माफिया आखिर है कौन? सनसनी की जारी रहेगी यह पड़ताल। पेपर लीक के बारे में आपके पास कोई भी खबर या कोई जानकारी हो तो फौरन हमारी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।